जाड़े के मौसम में जो हमारे मत्स्य हैं, मत्स्य पालन करते हैं, उन वो क्या विशेष ध्यान देंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? और अभी नवंबर का महीना आ गया है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। आज का ही मौसम देखिए, काफ़ी ठंड का शुरुआत लग रहा है। तो अब है कि मछलियों को भी वातावरण में वातावरण का ये परिवर्तन महसूस होना शुरू हो गया है। तो पहले तो अब हम लोग को देखना है कि अब इनका कैसे हम रख रखाव करें और कैसे इस ठंड से बचाव करें। इसमें एक मेथड है, मान लीजिए कि वायुमंडलीय तापमान आपका 1 डिग्री हो गया, तो हमारे पानी का तापमान मान के चलिए 8 डिग्री ज़्यादा हो जाता है, तो 9 डिग्री उसका हो गया। तो ये बचाने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, तालाब में पॉली हाउस बनाया जा सकता है। पॉली हाउस में जैसा प्लास्टिक आपने जैसे पौधों के लिए करते हैं, क्योंकि ये भी महंगा हो जाएगा। मैं अगर कृषक भाइयों की इकोनॉमिक ये आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं दूसरा सलाह ये दूंगी कि जो अल्ट्रावायलेट ग्रीन कलर की जो शीट होती है तालाब के 1/4 भाग में उसको ढक दें। उससे क्या होगा कि जो रात में जो ओस गिरता है उससे तापमान बहुत गिर जाता है पानी का। तो उस स्थिति में यदि हम 1/4 भाग, उतना शीट खरीदना भी महंगा हो जाएगा, तो उसका 1/4 भाग उसको ढक दें कि ओस के डायरेक्ट कांटेक्ट में पानी का जो सरफेस है या उसमें पानी ना गिरे, तो देखिएगा कि सारी मछली उधर ही आके इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि तापमान उसका थोड़ा अनुकूल हो जाएगा मछलियों के। तालाब में मछली पालन करते वक्त पोटेशियम परमैंगनेट के इस्तेमाल करने से मछलियों को कई रोगों से बचाया जा सकता है। इस मौसम में चूने का व्यवहार करना भी मछलियों के लिए अच्छा होता है। ये तालाब में टाइम टू टाइम फॉल्स नेटिंग जिसको कहा जाता है, जाल इधर से उधर घुमा देना है, या जब जाल में मछली आती है तो उसमें 25 ग्राम या 30 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवाई कहा जाता है उसको घोल के वहाँ पे जाल में डाल दें, क्योंकि इस दौरान एक संभावना ये भी होती है जाल करने जब जाल डालते हैं तो थोड़ा इंज्योर्ड हो जाती है मछली, और जैसे इंजोरी हुई तुरंत में उसमें फंगल या बैक्टीरियल अटैक हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए तुरंत में पोटेशियम परमैंगनेट डालें, जिससे बीमारी की जो संभावना उसको रोकी जा सकती है। उसके अलावा जो महत्व ये होता है, चूँकि अभी बरसात अचानक गया है, तालाब में पानी का जो लेवल है वो काफ़ी अभी है, कहीं किसी किसी तालाब में 10 फीट है, किसी तालाब में 7 फीट है, तो मछली के लिए चाहिए 6 फीट पानी बरसात में रहे। उससे क्या होगा कि जो सूर्य की किरण है वो तल तक जाएगी, क्योंकि तापमान का जो मेन जो टेम्परेचर होता है आप देखिएगा तो 12 बजे से ही से 3 बजे तक ही रहता है, गर्मी में धूप भी कम होती है। तो उस केस में अगर पानी का लेयर का जो डेप्थ है वो थोड़ा कम रहे, किसान भाई अगर ना इरिगेशन वगैरह में यूज़ कर ले तो ऑटोमेटिकली जो डेप्थ है वो कम हो जाएगा। मछली पालक भाइयों, इस तरह से यदि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर चलकर यदि हम जाड़े के मौसम में मछलियों की देखभाल करें तो हम उनकी मृत्यु दर घटा सकते हैं तथा उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं।